हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के जो हैंडपम्प होता है, जो हैंडपम्प में से मोटर फिट करके कैसे ओवरहेड टैंक को पानी चढ़ाना है, जिसका घर में सम टैंक नहीं है, एक हैंडपम्प है, हैंडपम्प से कैसे मोटर फिट करके ओवरहेड टैंक को पानी चढ़ाना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैंने अपलोड करूँगा पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए। ये हैंडपम्प से कैसे ओवर टैंक को पानी कंटिन्यू चढ़ा सकते हैं, जिसके वजह से सम टैंक का ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये अभी एक हैंडपम्प है। इस हैंडपम्प को जब हम मोटर कनेक्शन करेंगे, फ्रेंड्स देखिए, ये जो हैंडपम्प का नीचे से जो 1.5 इंच 1.5 इंच का जो पाइप आता है, आने के बाद फिर आपको हैंडपम्प फिटिंग होता है। आपको अगर पंप फिट करना है, मोटर फिट करना है, तो पहले क्या करना है, ये जो 1.5 इंच पाइप है, यहाँ पे एक 1.5 इंच बाय 1 इंच का टी डालना है। देखिए, रोडेसर टी इसको बोलते हैं, वह 1.5 इंच है और ये 1 इंच है। ये टी को पहले ही टाइट करना है, और एक यहाँ पे एक नेपल आता है, वो नेपल डाल के फिर आपको ये जो हैंडपम्प को टाइट करना है। जब भी आप फिटिंग करोगे, नया अगर हैंडपम्प है तो पहले से एक पॉइंट डाला के यहाँ पे प्लग कर दीजिए। अगर आपको पुराना है तो खोल के पहले एक टी डालना है, उसके बाद एक 1.5 इंच का नेपल डालना है, फिर हैंडपम्प को फिट करना है। तो उसके बाद जो ये 1 इंच का जो पॉइंट रखा है आपने, फ्रेंड्स अभी मैंने इसको क्या किया है, एक GI नेपल डाला हूँ यहाँ तक, उसके बाद एक वाल डाला हूँ, फिर यहाँ CPVC पाइप में यहाँ भी एक यूनियन दिया हूँ, और यहाँ पे आके और एक यूनियन का साथ ये मोटर फिटिंग हुआ है। ये एक टुल्लू मोटर है, ये यहाँ पे फिटिंग हुआ है। फ्रेंड्स, अब अगर आपको और एक तरीका क्या है, यहाँ GI पाइप डालने से पहले यहाँ पर एक ब्रास MABT CPVC प्लस ब्रास, ये ब्रास MABT यहाँ पर डाल के यहाँ से डायरेक्ट लेके फिर यहाँ पे एक CPVC वाल भी डाल सकते हैं, डाल के आपको मोटर तक एक यूनियन डाल के यहाँ तक ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये करने के बाद फिर ये वाल यहाँ पे इसलिए दिया जाता है, जब भी आप हैंडपम्प यूज करोगे तो ये वाल को बंद करना पड़ता है, और जब भी आपको मोटर चालू करना है तो ये वाल को ओपन करना पड़ता है। तो इसी तरह का फिटिंग होता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो टुल्लू मोटर है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ अभी, फिलहाल ये परमानेंट फिक्स नहीं किया है, और यहाँ पे पानी फेंकता है। जब हम अभी चालू करेंगे तो यहाँ पे पानी फेंकेगा। यहाँ से हम एक होस पाइप डाल के, ये जो ये होस पाइप है, ये होस पाइप को लगा के हम ये होस पाइप की जरिया में ओवरहेड टैंक को पानी चढ़ाते हैं। इसको परमानेंट अभी मैंने नहीं किया हूँ, क्योंकि ये अभी टेम्प्रेरी मैंने अभी चेक कर रहा था कि किस तरह हैंडपम्प से टुल्लू मोटर को फिट करके ओवर टैंक को चढ़ाना है। पहले मैं अभी चेक कर रहा था होस पाइप से लगा के, ये अगर पानी ठीक ठाक से ऊपर चढ़ेगा तो हमको CPVC लाइन में से हम परमानेंट कनेक्शन ऊपर छत तक लेके ओवर टैंक तक लेना है। तो आपको इसको अगर इसी तरह का कनेक्शन आप ले लिए तो आपको सम टैंक नहीं ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी जगह में पानी जो सप्लाई होता है बोरियल को, बोरियल ऑन होता है, उसको भी इसी तरह का डायरेक्ट चढ़ा सकते हैं, और सम टैंक जगह नहीं है तो आप डायरेक्ट हैंडपम्प से आप ओवर तक चढ़ा सकते हैं। चलिए, ये इसी तरह का फिटिंग होता है। देखिए, ये ऑलरेडी मैं फिट किया हूँ। अभी ये मोटर को चलाने से पहले 2-3 बार हैंडपम्प्स को चलाना पड़ेगा। हैंडपम्प से पानी आने के बाद देखिए, ये पानी अभी चालू है। अभी हमको ये वाल ओपन करना है। अभी ये वाल ओपन हो गया, अब हम मोटर चालू करेंगे, और ये मोटर चालू करने के बाद यहाँ से पानी फेंकना शुरू कर देगा। चलिए मैं करंट देके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं करंट दे दिया हूँ। देखिए, ये पानी डायरेक्ट नलके से आ रहा है, डायरेक्ट नलके से पानी इसी तरह का ऊपर आता है। और अभी मैं क्या करूँगा, ये होस पाइप लगा के ऊपर चढ़ाता हूँ। अगर आपको परमानेंट फिक्स करना है तो CPVC लाइन ऊपर से लेके आना है, और इसका साथ कनेक्ट करना है। और मोटर कनेक्शन कैसा होता है उसका भी वीडियो मैंने आई बटन में दे दूंगा, और ओवर टैंक को कैसे पानी जाता है उसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरह का
जो हैंडपम्प होता है, हैंडपम्प से मोटर कनेक्शन इस तरह का होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपको प्लम्बिंग टेक्निक चाहिए तो हमको कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है।